पताया, पताया का बीच। ये है सस्ताने के लिए, इनको भी पेमेंट करनी पड़ती है। बच्चे इस वक्त इसमें नहा रहे हैं, और क्योंकि ये बच्चे यहाँ के लोकल हैं, आदि हैं, तो इनको डर नहीं लगता। पैरा ग्लाइडिंग तो नहीं, पैरा सेलिंग। तो वो पैरा सेलिंग हो रही है, और वो है उसकी कीमत 700 बात। ये देखें ऊपर से कोकोनट गिर गया, और ये शख्स नीचे सोया हुआ है, और इसका अच्छा हुआ इसका सर बच गया। फ्रेंड्स, ये है बस स्टैंड पताया से बैंकॉक के लिए। ये मेरे साथ अब्दुल्ला इरफान है, इंडिया से, और इंडिया में हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो ये इनके दूसरे कुछ साथी हैं, ये पांच साथी, ये बैठे हुए, ये एक साथ पांच लोगों का ग्रुप आया है। यहाँ पे मेरे से बस टर्मिनल पे मिल गए, तो ये समझ रहे थे शायद मैं पता नहीं अरबी हूँ, शाम से हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर इनको खुशी हुई, अच्छा ये भी मुसलमान हैं। और अब्दुल्ला भाई, आप ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो तनाज़ात हैं, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म हो? हाँ, हम तो यही चाहते हैं, और इंडिया में भी हर वो शख्स यही चाहता है कि ये सब जो तनाज़ात चल रहे हैं, ये पूरे ख़त्म हो जाए, और जैसे कि इससे पहले शीर और शीरनी की मिठास थी, वो फिर वापस आ जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और तमाम इख्तलाफात दूर हो जाए। बैंकॉक फर्स्ट, ये मुझे मिल गया, जिसे लाके बता, ये उसका काउंटर है, और यहाँ पे लोग लगे हैं। और मेरा जो रूम है ऊपर, अभी मैं अपने रूम में जाऊँगा, फोर्थ फ्लोर में मुझे बेड नंबर 16 मिला है, और ये बेड मुझे मिला है ये 112 बात का। ये है बैंकॉक हॉस्टल, जहाँ पे मैं रुका। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा हॉस्टल का, और ये मेरा इस टूर में तीसरा हॉस्टल है जो मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, पर अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा ये दूसरे ये भी हॉस्टल है, इसका नाम है एवरीडे बैंकॉक हॉस्टल, और थ्री हाउ हॉस्टल, और आगे है मिंट हॉस्टल। तो इसी तरह दूसरे, और ये गली इस तरफ जाती है, और ये है बैंकॉक हॉस्टल। हाँ, यू से ओके। हाँ, वो जो आप बता रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना तक पढ़ लेता है, आगे फिर नहीं आता या पढ़ता नहीं है पता नहीं। तो मैंने पूछा कि आप मुस्लिम हो, कहते हैं मैं बुद्धिस्ट हूँ, पर मेरे घर के करीब मुसलमान रहते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें रोबिनसन में भी यहाँ पे
लव द अर्थ लिखा हुआ है और उन्होंने उनका मैसेज है कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स। ये देखें, मतलब ये समुद्र में जब चला जाता है ये प्लास्टिक, तो वहाँ पे ये समुद्री जो हैवानात हैं, जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कछुआ, तो वो इसको खा लेता है तो उससे ये मर जाते हैं। तो ये भी प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, बल्कि लगा चुके हैं। ये है रोबिनसन बैंकॉक का बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये इस वक्त मैं बैंकॉक में हूँ और ये देखें, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, यहाँ पे भी वो है, वी आर गोइंग प्लास्टिक बैग फ्री, प्लीज़ ब्रिंग रीयूजेबल बैग्स। तो यहाँ पे भी प्लास्टिक बैग्स पूरी दुनिया में ख़त्म होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी कोशिश है वहाँ पे, इससे पूरे माहौल के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और इसके अच्छे नतीज बरामद होंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे ऐसे भी स्टोर हैं जहाँ पे गमलों में ये छोटे छोटे पौधे भी बेचे जाते हैं। ये देखें, ये फ्रूट्स, ये फल, ये है बुग, और ये है, ये वो खरबूजा है जो हम तस्वीरों में देखते हैं, ये है वो खरबूजा। ये देखें, और ये है पाइनएप्पल, और आपने तो ये सुर्ख रंग का वो तरबूज देखा होगा, ये तरबूज जर्द रंग का है। तो आज रात को जो है मेरी फ्लाइट है, 12 बजे जाऊंगा एयरपोर्ट, और फिर उसके बाद फिर 4 बजे मेरी फ्लाइट है इतिहाद एयरलाइन की अबूधाबी के लिए, और फिर कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद फिर अबूधाबी से फिर इस्लामाबाद के लिए मेरी फ्लाइट होगी। फ्रेंड्स, ये है VAT वैल्यू एडिड टैक्स रिफंड फॉर टूरिस्ट, ये इसका बूथ है। और मैंने कुछ शॉपिंग की थी रॉबिन्सन से, तो वहाँ पे मुझे कुछ रसीदें मिली थी और वहाँ से मैंने कार्ड बनवाया था मेंबरशिप का, फिर वो अब यहाँ से मैंने पता किया तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको कुछ रिफ़ंड नहीं हो सकता, आफ्टर इमिग्रेशन जब आप अंदर चले जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ रकम जो है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो ये भी VAT रिफ़ंड फॉर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर यही है। मैंने उस रॉबिन्सन में उस मॉल में मैंने 3,500 थाई बात की शॉपिंग की थी, तो उसमें मुझे ये 150 थाई बात रिफंड हुए। ये इस वक्त अबू धाबी का शहर ऊपर से नज़र आ रहा है, हम लैंड करने वाले हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये खैरियत से मैं यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया, और पहुंच के मुझे खुशी हुई। अगर जो एक तरफ सफ़र का वो भी ऐसा रहता है, खुशी होती है जाने में, लेकिन जब आदमी कुछ दिन गुजार के वापस आ जाते हैं तो
तो अपने घर पहुंच के उसकी भी अलग खुशी है। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो तब तक के लिए यह है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। मैं पहुंचा इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।